हे गाइस, वेलकम टू द जी टेक गेमिंग चैनल। और आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ AMD की 4000 सीरीज़ के बारे में। मैं आपको बता दूँ, दो दिन पहले AMD ने अपनी 4000 के जो APUs हैं उनको लॉन्च कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ एक बहुत ही बैड न्यूज़ भी है, तो पूरी डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में हम लोग AMD की 4000 सीरीज़ के बारे में। और बैड न्यूज़ टू मेन बात है इसके बारे में, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करना। वीडियो कर लेते हैं जल्दी से स्टार्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका भी इंटरेस्ट हो गेमिंग और टेक कंटेंट हो तो मेरे चैनल पे आइए एंड सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। वीडियो करते हैं जल्दी से स्टार्ट। मेरा नाम है जकी खान एंड आप देख रहे थे जी टेक गेमिंग चैनल। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं AMD की जो 4000 सीरीज है उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि जो AMD की 4000 सीरीज के जो APUs हैं उनको लॉन्च कर दिया गया। बट जो यार, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि AMD की 4000 के APUs आएंगे, मैं उस पर बिल्ड करूँगा, PC बिल्ड करूँगा। सर, ऐसा आप लोग नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये जो APUs हैं सिर्फ ये OEM के लिए हैं। OEM क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, जो पर्टिकुलर एक स्टोर होता है, जैसे कि HP का स्टोर हो गया, डेल का स्टोर हो गया, लेनोवो का स्टोर हो गया, तो उनके जो स्टोर होते हैं उसमें आपको जो प्रीबिल्ट PCs मिलते हैं, लेनोवो के, डेल के, HP के, उसमें आपको ये APUs देखने को मिलेंगे। बिकॉज इसके बारे में बाद में बात करेंगे क्यों ऐसा करा गया, AMD ने ऐसा क्यों करा, बाकी भी स्पेसिफिकेशन और काफ़ी चीज़ें जो इस APUs के बारे में है, इन 4000 सीरीज़ के जो APUs उनके बारे में बात कर ली जाए। तो ऐसा है कुछ गेम यार, जो बैड न्यूज़ काफ़ी बड़ी की यार, जो DIY PC वाले बिल्डर्स हैं, हम लोग जैसे हैं, अगर एक PC बिल्ड करना चाहते हैं जो AMD की 4000 सीरीज हैं उस पर, सोच रहे थे कि APUs उस पर बिल्ड करेंगे, तो ऐसा अभी नहीं कर पाएंगे, अभी लॉन्च नहीं करा गया। AMD ने कहा है कि अब इन फ्यूचर आपको जो 4000 सीरीज़ के जो CPUs हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बट AMD ने कहा आने वाले टाइम पर, हो सकता हो कि जब डेस्कटॉप वाले जो CPUs आए, मतलब 4000 सीरीज़ के, तब आपको देखने को मिले APUs इनके साथ में, या फिर थोड़ा उससे पहले देखने को मिले। ये यही जो APUs हैं उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके, जो भी निकाले इनको, तो इनको थोड़ा मॉडिफिकेशन करके और उसको निकाल दें वो, फिर बना दें डेस्कटॉप वाले APUs, तो ऐसा कुछ भी खेल हो सकता है। अभी कुछ कंफर्म बात करी नहीं गई, बस ये कहा कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे। नाउ पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो Ryzen के 4000 सीरीज के जो APUs लॉन्च करे गए हैं उनके बारे में। तो देखो, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो ऑन स्क्रीन आप देख भी लो, मैं आपको बता दूं, इसमें इन्होंने 6 प्रोडक्ट को लॉन्च कराया, यानी कि 6 APUs को इन्होंने लॉन्च कराया, जो कि Ryzen 2 Ryzen 3 के हैं, 2 Ryzen 5 के हैं, 2 Ryzen 7 के हैं। इतने भी APUs हैं, इसमें से जो 3 APUs हैं वो GE नेम पे बेस्ड होंगे, यानी कि उनके नाम के आगे GE लगा होगा, वो 35 बॉड की DDP के साथ होंगे, जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख सकते हो। एंड जो 3 APUs होंगे वो आपके 65 वॉट वाले APUs होंगे, यानी कि उसमें आपको जैसे कि 4700G, 4600G, तो आपको G मिलेगा, E नहीं मिलेगा उसमें, समझे? तो ऐसा कुछ होने वाला है। बाकी स्पेसिफिकेशन आप ऑन स्क्रीन देख लो, आप पढ़ लो, अभी मैं बताऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिसेबल है, और ये नोटिसेबल चीज़ ये है कि आप देख सकते हो कि जो कंप्यूट यूनिट्स हैं वो जो आपके 3000 सीरीज़ के APUs थे उससे आपको कम देखने को मिल रही 4000 सीरीज़ में। तो क्या इसका मतलब है, ग्राफिक्स आपको कम देखने को, यानी जो ग्राफिक परफॉर्मेंस है क्या आपको वो कम देखने को मिलेगा? तो यार ऐसा नहीं है, इसमें जो ग्राफिक परफॉर्मेंस आपको कम देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें आपको जो कंप्यूटर यूनिट्स हैं कम देखने को मिलनी, बट जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। मैं आपको बताऊँ, अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो 50% जो पुराने वाले आपके APUs थे उससे 50% ज़्यादा आपको फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। हालांकि कंप्यूटर यूनिट कम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ग्राफिक जो परफॉर्मेंस वो कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो जो आपका परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा ही मिलेगा आपको। AMD ने यहाँ पे एक चीज़ और बताई है, AMD ने एक चीज़ और यहाँ पे कंफर्म करी है कि इसमें आपको मोनोलिथिक चिपलेट मिलने वाला है, यानी कि चिप मिलने वाली है। मोनोलिथिक क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपके जो प्रोसेसर अभी तक आते थे AMD के थर्ड जनरेशन के, तो उसमें जो आता था चिपलेट आपको मिलता था, वो चिपलेट मिलता था, एंड वो जो चिपलेट होता था, यानी कि उसमें आपको कोर्स के अलग चिप मिलती थी, एडल होते थे उसकी आपको अलग चिप मिलती थी। बट जो मोनोलिथिक है, इसमें आपको जो APUs अभी यहाँ, इसमें मोनोलिथिक जैसा बताया उन्होंने, तो इसमें आपको जो कोर्स एंड जो आइडल परफॉर्मेंस सब कुछ एक ही में देखने को मिलेगा, एक ही चिप में देखने को मिलेगा। इससे भी आपको जो परफॉर्मेंस वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जो फ्रीक्वेंसी उससे भी इंक्रीज होना है और इससे भी इंक्रीज होना है, यानी कि जो परफॉर्मेंस है जो आपकी पुरानी जनता है उससे काफ़ी बेटर देखने को मिलने वाला है। बाकी ऑन स्क्रीन आप देख लो जो परफॉर्मेंस है, मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, जैसा कि AMD का जो चार्ट है उसमें शो करा गया है क्या क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्या कैसे, मतलब जो फ्रेम्स हैं एंड जो जितना भी मार्क गए हैं, तो आप देख लो ऑन स्क्रीन में। ना अब हम लोग बात कर लेते हैं AMD ने 4000 सीरीज के जो APUs है वो DIY PCs के लिए क्यों नहीं लॉन्च करी, यानी कि हम लोग के जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए लॉन्च क्यों नहीं करेगा। तो देखो, इसका रीज़न ये कि मैं आपको बता दूँ, अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखो AMD मार्केट, तो AMD के जो प्रोसेसर्स हैं, APUs हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको मिल जाते हैं। तो जो आपके पास चॉइसेस हैं वो बहुत सारी हैं, आपके पास 3600 है, 3000 के जो 31 सीरीज़ वाले हैं वो भी हैं, आपको 3300X हो गया, 3600X हो गया, एंड रिसेंटली इन्होंने XT सीरीज़ वाले भी जो प्रोसेसर हैं उनको लॉन्च कर दिया गया है। APUs भी यहाँ पे हैं हम लोग के,
तो यहाँ पे काफ़ी आपको जो ऑप्शन मिल जाते हैं, चॉइसेस मिल जाती हैं। तो एम डी जो कंज्यूमर साइड है अभी देखो आप, तो काफ़ी तरीके के आपको प्रोसेसर ए पी यू देखने को मिल जाते हैं। एम डी ने सोचा है कि यार अभी हम लोग इसको भी लॉन्च कर देंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा एक अगर कोई बंदा पी सी बिल्ड करने आता है उसके लिए कि भैया मैं 3600 की तरफ जाऊँ या 4600 की तरफ जाऊँ, तो अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए तो इन्होंने अभी लॉन्च नहीं करे, इन्होंने जो कंज्यूमर थे उनके लिए इन्होंने जो ए पी यू लॉन्च करे वो ओ एम के लिए लॉन्च करेगा। बिकॉज यहाँ पे इनका एक ये भी एक टारगेट है कि जो ओ एम को टारगेट रख के बनाया गया है, बिकॉज जो ओ एम वाला मार्केट यानी कि देखो हर बंदे के अंदर इतना नॉलेज नहीं होता कि एक बंदा जाए एक एक कंपोनेंट खरीदे, नॉलेजेबल बंदा हो और उसको मालूम है उस प्रोसेसर के बारे में, मैंने खरीद लिया और आके बिल्ड कर लिया, बिल्ड करवा लिया एंड बस उनको सोचते कि भैया मुझे एक पी सी चाहिए, मार्केट में गए एचपी का स्टोर ढूंढा, डेल का स्टोर ढूंढा एंड जाके बस वहाँ पर भैया मुझे एक पी सी चाहिए, इतना प्राइस होना चाहिए 40,000 रुपये 50,000 रुपये, उनको एक प्रीबिल्ड पी सी मिल जाए। तो ए एम डी ने सोचा जो मेरा बिग मार्केट है वो तो अभी हम लोग का डी आई वाई पी सी वालों के लिए है, कंज्यूमर्स के लिए है, वो तो है ही है, बट अभी ओ एम को भी टारगेट रखा जाए एंड वहाँ से भी थोड़ी इनकम करी जाए। तो इन्होंने थोड़ा इधर इधर भी देखा एंड इधर भी इन्होंने अपना कदम बढ़ाया एंड अभी वहाँ से लोग बाय करेंगे। तो अगर आप एक नॉलेबल बंदे नहीं हो, अगर आप नहीं जानते पी सी इसके बारे में एंड आपको पी सी लेना है, आपके घर वाले कह रहे हैं ठीक है चलो भैया मार्केट चला जाए, वहाँ से खरीद लीजिए पी सी एक पर्टिकुलर स्टोर से जा करके, तो आपके लिए पी सी हो सकते हैं, आप जाइए उनसे वहाँ से आप पी सी बाय कर सकते हो। एम डी ये भी जानता है कि अगर हम लोग जैसे डी आई वाई पी सी बिल्डर्स हैं और पी सी बिल्ड करते हैं या पी सी खरीदने या प्री बिल्ड भी एक वेबसाइट से खरीदते हैं, तो यार हम लोग एक ए पी यू वाला पी सी नहीं खरीदेंगे, हम लोग एक पर्टिकुलर एक प्रोसेसर वाला पी सी खरीदेंगे एंड उसके साथ ग्राफिक कार्ड को उसमें इंक्लूड कर देंगे, बिकॉज हम लोग को गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, यानी कि एक मतलब अच्छा वाला खतरनाक वाला चाहिए। सही भी एक तरह से ओ एम वालों के लिए बना दिया गया है अभी, अभी हम लोग के लिए पास भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। अब जब इन फ्यूचर जो 4000 सीरीज आएगी डेस्कटॉप वाली ए पी यू वाले, तो और ऑप्शन हम लोग के पास हो जाएंगे। तो एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगा जो एम डी की 4000 सीरीज के ए पी यूज़ हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं, बट वो ओ एम वालों के लिए हैं, वो डी आई वाई पी सी कंज्यूमर्स के लिए नहीं है, यानी कि हम लोग के लिए नहीं है। एंड इन फ्यूचर जब ये 4000 सीरीज के ए पी यूज़ या डेस्कटॉप वाले ए पी यूज़ या प्रोसेसर जब भी आते हैं, तो हो सकता हो कि उसके साथ ही अपने जो ए पी यूज़ हैं उनको भी लॉन्च कर दिया जाए, तो आपको देखने को मिल जाए मार्केट में। अब ये नहीं बताया गया कब लॉन्च कर जाएंगे, बस हो सकता हो काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिल जाए, नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिल जाए, तो कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसा कुछ न्यूज़ थी, मैंने आपको बता दी जो एम डी के ए पी यूज़ थे ओ एम वाले वो लॉन्च कर दिए गए, स्पेसिफिकेशन बता दिए, इनकी परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपको डाउट्स जो आपके होंगे क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम लोग रोजाना ऐसे कमाल कमाल कंटेंट लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।